हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सेशन 7 और सेशन का नाम है वर्कप्लेस सेफ्टी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्लास 10th यूनिट 4 पार्ट बी। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं वर्कप्लेस सेफ्टी। वर्कप्लेस सेफ्टी क्या होता है? जहाँ पर हम लोग काम कर रहे हैं वहाँ पर किस तरह की सेफ्टी हमें बरतनी चाहिए उसके बारे में हम लोग सीखेंगे। अब क्या होता है वर्कप्लेस सेफ्टी, क्या होता है बेसिकली? To ensure and implement workplace safety measures, the responsibility lies with the employer. यानी जहाँ पर हम लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, उनकी जिम्मेदारी होती है, उस employer की जिम्मेदारी होती है जहाँ पर वो काम कर रहे हैं, वो ensure करें कि हाँ, जब वो काम करने के लिए वहाँ पर काफ़ी अच्छे माहौल हैं और वहाँ पर कोई भी रिस्क नहीं है, ठीक है। तो किस तरह का रिस्क के बारे में बात कर रहा हूँ आगे जानेंगे। जैसे कि जनरल ऑफिस सेफ्टी, अगर आप ऑफिस में काम कर रहे हैं तो किस तरह का सेफ्टी होनी चाहिए, जैसे कि स्लिपिंग, ट्रिपिंग एंड फेलिंग हैजर्ड, फॉलिंग हैजर्ड्स, यानी वहाँ पर स्लिपिंग नहीं होना चाहिए, मींस कि फर्श पर पानी वगैरह ना गिरा रहे या गीला ना रहे ताकि फिसल का कोई गिर जाए या हाथ पर टूट जाए। दूसरी बात है बर्निंग एंड अदर फायर हैजर्ड्स, हमें इंश्योर करना है कि वहाँ पर अगर आग लग जाए तो मतलब किस तरह से हम लोग बच सकते हैं, ठीक है। फोर्थ है डेंजरस इलेक्ट्रिकल वायरिंग एंड अदर हैजर्ड्स, कि जहाँ पर हम लोग काम कर रहे हैं वहाँ पे इलेक्ट्रिकल वायर जो है कोई डेंजरस तो नहीं है, मींस कि वहाँ पे कोई इधर उधर मतलब जो तार होते हैं, वायर होते हैं, वो कहीं ऐसे नंगे नहीं है मतलब कि कोई टच कर ले और उस पर शॉक लग जाए, ठीक है। नेक्स्ट एक्सपोजर टू टॉक्सिक सब्सटेंसेस, यानी हमें इंश्योर करना है कि वहाँ पर कुछ ऐसे टॉक्सिक सब्सटेंस तो नहीं है अगर इमरजेंसी में वो कहीं हमारे हम बोल सकते हैं कि हमारे ऊपर कहीं कुछ हो जाए तो उससे प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए। इम्प्रॉपर लिफ्टिंग एंड हैंडलिंग टेक्निक, हमें इंश्योर करना है कि वहाँ पर इम्प्रॉपर हैंडलिंग एंड लिफ्टिंग टेक्निक है कि नहीं। अनऑब्जर्वेंट एंड इंटेंटिव एम्प्लॉयज, ठीक है, सारी हमें मेजर्स देखनी है। नेक्स्ट है फॉल एंड स्लिप प्रिवेंटेशन गाइड, अगर हमें फॉल्स यानी गिरने के लिए फिसलने में, ठीक है, बचना है तो हमें क्या क्या गाइडलाइंस है उसके थ्रू हमें क्या करना है। अनइवन फ्लोर सर्विस सर्फेसेस, अनसुटेबल फ्लोर कवरिंग, वेट फ्लोर, क्या क्या होता है अगर अनइवन फ्लोर सर्विस सरफेस रहता है या अनसुटेबल फ्लोर कवरिंग रहता है, वेट फ्लोर मतलब गीला फर्श रहता है, तो ट्रेलिंग केबल्स वगैरह रहता है, तो ये इस मतलब इसके थ्रू या इसके कारण हम लोग हमेशा फिसल सकते हैं या गिर सकते हैं, ठीक है। व्हाट कैन आई डू टू प्रिवेंट स्लिप ट्रिप एंड फॉल्स, यानी हम लोग किस तरह से फर्श पर गिरने से, ठीक है, बच सकते हैं। तो पहला है वियर अप्रोप्रिएट स्लिप रेजिस्टेंस शूज, हमें ऐसे शूज पहनने चाहिए ताकि वो गीला हो फर्श तभी वो फिसले ना। स्लो डाउन द नेगोशिएट ट्रांस कॉर्नर्स ऑब्स्टेकल्स एंड एरिया ऑफ द लिमिटेड विजिबिलिटी, यानी अगर जहाँ पर अंधेरा है या हमें सही से नहीं दिख रहा है, ठीक है, कोना वगैरह है, तो हमें वहाँ पर धीरे से चलना है। कीप वर्क प्लेस एंड वॉक वेज क्लीन, जहाँ से हमें आना जाना है वहाँ हमेशा हमें क्लीन साफ वगैरह करके रखना चाहिए। वेट फ्लोर, क्लीन अप वेट एरिया एंड स्पिल्स इमिडिएटली, जहाँ पर अगर वेट एरिया है, हमें गीला जगह है, हमें तुरंत उसे साफ करना चाहिए। मेक श्योर साइन वॉर्म्स ऑर द डेंजर्स एट ऑफ वेट सरफेस वेन मॉपिंग, हमें क्या करना चाहिए, मॉपिंग कर देना है, झाड़ू लगा देना है, मीन्स उसे पोछा कर देना है। यूज कॉशन इन एरिया वेयर वेट फ्लोर्स आर लाइकली एंट्रेंसेस, यानी हमें वहाँ पर कॉशन एरिया सावधान वाला जो होता है ना बोर्ड, वहाँ पर लगा देना अगर कोई ऐसे डेंजरस एरिया है, ठीक है। पार्किंग लॉट ऑफ लॉट एंड ग्राउंड्स, स्टे अलर्ट फॉर अनइवन सर्विसेज, मतलब यही दिया है किस तरह से हम लोग बच सकते हैं, मतलब स्टेयर पर किस तरह से चलेंगे, अगर स्टेयर पर हमें चलना हो तो हम लोग क्या करेंगे, टेक ओनली वन स्टेप एट अ टाइम, हमें आराम से एक एक स्टेप करके सीढ़ियों पर चढ़ना है, छोटे छोटे बच्चों वाली बात है, ठीक है, लेकिन इसको ध्यान देना है। कीप वन हैंड फ्री टू ग्रैब द हैंड रेल्स, हमें हमेशा एक हैंड रेल्स को फ्री रखना है, यानी हैंड को फ्री रखना है ताकि वो जो रेल्स होते हैं उसके बगल में वो हम पकड़ सकें। कोर्स क्या होता है, डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिकल कार्स अदर ऑब्जेक्ट टू एक्सटेंड अक्रॉस वॉकवे, यानी हम लोग इस रास्ते से जा रहे हैं तो हमें कभी भी इस रास्ते में एक इलेक्ट्रिकल वायर नहीं रहना चाहिए ताकि हम लोग यहाँ से क्या हो सकते हैं, फिसल कर गिर सकते हैं, इसमें बचकर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर फंस कर हम लोग गिर सकते हैं। लाइडर्स,
ठीक है, स्टैंड लाइडर्स इंस्टेड ऑफ चेयर्स टेबल्स बकेट्स और बॉक्स। अगर हमें कुछ काम है ठीक है, मीन्स कि हमें खड़ा होना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग लेडर्स का यूज करेंगे, ना कि हम लोग चेयर वगैरह का यूज करेंगे या टेबल वगैरह का यूज करें। ठीक है, बेसिक फायर सेफ्टी रूल्स, क्या क्या कुछ फायर सेफ्टी रूल्स हैं। फायर सेफ्टी आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी वर्क प्लेस। फायर कैन बी आल्सो डेंजरस इफ नॉट हैंडल प्रॉपरली। फायर काफ़ी डेंजरस होती है, हम जो लोग जानते हैं, अगर हम उसको अच्छे से हैंडल नहीं करेंगे तो हमारी जान भी जा सकती है इससे। तो इससे क्या होता है, फायर के क्या क्या इफेक्ट हैं, जैसे कि विद इन 30 सेकेंड्स डिसओरिएंटेशंस, एंड 30 सेकेंड्स रहेंगे तो आप वहाँ पर मुरझुरा भी सकते हैं, मीन्स कि बेहोश भी हो सकते हैं, 2 मिनट्स बेहोश भी हो सकते हैं, 3 मिनट रहेंगे तो डेथ भी हो जाएगी आपकी। ठीक है, तो इस तरह से होती है। बेसिक रूल्स फॉर फायर सेफ्टी, क्या क्या रूल्स हैं, जैसे कि पुट द फोन नंबर ऑफ द डिपार्टमेंट नियर द टेलीफोन नियर द फोन, जहाँ पर फोन है इमरजेंसी के लिए वहाँ फोन नंबर रख दो। ठीक है, इससे हम लोग आग से बच सकते हैं। दूसरी बात है एलिमिनेट फायर हैजर्ड्स थ्रू गुड हाउसकीपिंग, मीन्स कि जो फायर हैजर्ड्स हैं या डिस्पोज हैं उसको घर से हमेशा दूर रखना चाहिए। की फ्लेमेबल मटेरियल इनसाइड अ प्रॉपर कंटेनर एंड स्टोर देम प्रॉपरली, जिसमें आग लग सकती है उसको दूर रखना चाहिए, कहीं स्टोर रूम में रखना चाहिए ताकि दूसरे लोग उसको ना छेड़े। रेगुलरली चेक हो इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन, जो भी इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन आपको रेगुलरली चेक करना है कि वहाँ से कहीं फॉल्ट वगैरह तो नहीं है। फिफ्थ है डू नॉट ओवरलोड इलेक्ट्रिकल सर्किट बाई पुलिंग एडिशनल लाइट एंड अपायलेंस, मतलब कि हमें ज़्यादा ओवर पावर नहीं लेना है इलेक्ट्रिकल सर्किट से, नहीं तो शॉर्ट सर्किट होता तो उससे भी आग लग सकती है। अनप्लग द ऑल इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस आफ्टर एवरी यूज, यानी अगर हम लोग यूज कर लेते हैं ठीक है, जैसे चार्जर वगैरह है हम लोग यूज कर लिए तो उसको हमें निकाल लेना चाहिए, नहीं तो बाद में उससे आग भी लग सकती है। नेवर लीव लाइटेड कैंडल्स अनअटेंडेड, यानी आपने कैंडल्स वगैरह जला कर वैसे छोड़ दिया तो हमें बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है। स्ट्रिक्टली ओबे द नो स्मोकिंग साइंस, यानी हमें नो स्मोकिंग का बोर्ड हमेशा लगा कर रखना चाहिए ताकि कोई स्मोकिंग ना करे, ताकि उसके वजह से फायर ना लगे। And so that you have a pre-file or plan at your home, pre-fire plan at your office, मतलब pre-plan आपके ऑफिस में रहना चाहिए, मीन्स अगर कहीं पर आग वगैरह लग जाती है तो आप किस तरह से उसको हैंडल करोगे। तो ये सारी चीज़ें हैं। फायर रिस्पॉन्सेज गाइडलाइंस, क्या क्या रिस्पॉन्सेज, जैसे कि लीव वॉट एवर यू आर डूइंग, अगर कहीं पर आग लग जाती है जहाँ भी हैं आप उसको किसी कोई काम कर रहे हैं तो उसको काम छोड़ के आप अपनी जान बचाइए, ठीक है, दूर भागिए। दूसरी बात है वैकेट द रूम थ्रू द नियरेस्ट एग्जिट, आग लग जाती है कहीं पे तो आपको तुरंत कहीं पे एग्जिट जो होता है ना, जैसे कि एग्जिट दरवाज़ा होता है तो वहाँ से हमें तुरंत बाहर निकल जाता है, निकल जाना है। क्लोज द डोर बिहाइंड यू डोंट लॉक इट, डोर को बंद कर देना है और वहाँ से आपको निकल जाना है। एक्टिवेट द फायर अलार्म टू बिगिन इवैक्यूएशन ऑफ द बिल्डिंग, फायर अलार्म से हमें क्या करना है ऑन कर देना है और इस तरह से हम लोग अपनी जान को बचा सकते हैं। इलेक्ट्रिकल सेफ्टी रूल्स, किस तरह से हम लोग इलेक्ट्रिकल सेफ्टी से बच सकते हैं, इलेक्ट्रिकल शॉक से बच सकते हैं, जैसा कि बी फैमिलियर विद इलेक्ट्रिकल हैजर्ड्स एसोसिएटेड विद योर वर्क प्लेस, आपको पता रहना चाहिए कहाँ पर इलेक्ट्रिकल कनेक्शन है हमारे ऑफिस में। ठीक है, अनप्लग इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट बिफोर रिपेयरिंग और सर्विसिंग इट, हमें क्या करना है अनप्लग कर देना है, अगर हमें सर्विसिंग करना है कोई इलेक्ट्रिकल चीज़ को तो सबसे पहले उसको इलेक्ट्रिकल जो बोर्ड है वहाँ से हटा लो, तब उसके बाद उसकी सर्विसिंग रिपेयरिंग करो। तो ढेर सारी ऐसे चीज़ें हैं जिससे इलेक्ट्रिकल से हम लोग बच सकते हैं, तो यहाँ पर दी गई है। यूज ऑफ द फर्स्ट एड, अगर कोई इमरजेंसी आ जाती है, फर्स्ट एड क्या होता है, ऐसा बॉक्स जिस बॉक्स में कुछ इंपॉर्टेंट दवाइयाँ होती हैं इमरजेंसी के लिए, उसको बोलते हैं फर्स्ट एड। तो हमें हमारे ऑफिस में हमेशा फर्स्ट एड होनी चाहिए ताकि कुछ भी छोटी मोटी बातें हो जाए, यानी जब तक कि हम हॉस्पिटल नहीं पहुंच जाते हैं उससे पहले जो फर्स्ट एड में कुछ दवाइयां होनी चाहिए जिससे कि जो भी पेशेंट है उसको कंट्रोल किया जा सके या उसको दवा दिया जा सके ताकि जो उसका प्रॉब्लम है वो कंट्रोल हो सके। केस स्टडी ऑफ हजार्ड्स इंसिडेंट, भोपाल गैस ट्रेजेडी, यानी यहाँ पर आग के चलते ठीक है डिफरेंट तरह के एरिया में या स्टेट में डिफरेंट तरह के लोगों की ढेर सारी प्रॉब्लम हुई या कई लोगों को डेथ भी हो गई, जैसे कि भोपाल गैस ट्रेजेडी जो है ठीक है, यानी इसमें क्या हुआ था, एक कंपनी थी जिसको UCC बोलते थे, मतलब कि यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन था ठीक है, ये पेस्टिसाइड प्लांट था और ये यहाँ पर 3 दिसंबर 1984 को क्या हो गया, काफ़ी बड़ी यहाँ पर आग लग गई।
आग लगने से क्या हो गया, ढेर सारे लोग, उसमें कुछ केमिकल थे और उस केमिकल में आग लग गई, और वो जो केमिकल थे आग लगने की वजह से जो धुआं थी जिस एरिया में फैली वहाँ पर जो मतलब ढेर सारे लोग मारे गए और ढेर सारे लोग बीमार पड़ गए। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं, ट्रेजिडी होती है तो हमेशा हमें सावधान रहना चाहिए। तो इस चैप्टर का जो यहाँ पर एक्सरसाइज वो आप कर सकते हो। अगर हम बात करें आप सॉल्यूशंस के तो यहाँ से स्टार्ट हो रही है, और इस चैप्टर के जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर। आई होप आपको वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।